साबूदाने के परांठे, हरे धनिए की चटनी, चटपटे आलू की सब्जी और थोड़े से बनाना चिप्स। तो आज हम बनाएंगे नवरात्रि व्रत में खाए जाने वाली थाली। नमस्कार, दीक्षा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर आज की ये थाली बनाना शुरू करते हैं। ये थाली बनाने के लिए सबसे पहले हम परांठे का डो लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए है 1 कप साबूदाना। तो यहाँ पर देखिए, छोटी साइज का साबूदाना है, एक इससे बड़ी साइज का भी आता है। अब हम साबूदाने को थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे इसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें इस तरह से लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट भूनना है। ना हमें इसका कलर चेंज करना है, ना हमें इनको ज़्यादा भूनना है, बस इनकी थोड़ी सी नमी ख़त्म हो जाए और इसका आटा अच्छे से बन जाए, इसलिए हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। साबूदाने को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, साबूदाना भून गया है, ना इसका कोई कलर चेंज हुआ है। थोड़ा सा हम इसको ठंडा कर लेंगे। जैसे ही साबूदाना ठंडा हो जाएगा, हम एक मिक्सर जार में डालकर इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको पीसकर इसका आटा बना लिया है। अब हम साबूदाने के आटे को एक छलनी से छान लेंगे, जिससे इसमें जो थोड़े बहुत मोटे पार्ट बच जाते हैं वो निकल जाएंगे, छलनी में ही रह जाएंगे। तो इस तरह से आटे को छाने ज़रूर। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हल्का सा दरदरा सा आटा बना है, एकदम महीन नहीं है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 बॉईल किए हुए आलू। आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे या फिर कद्दूकस कर लें। इसमें आलू के टुकड़े नहीं रहने चाहिए, ये अच्छे से मैश हो जाना चाहिए, तभी आटा अच्छे से लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। आपके पास मैशर नहीं है तो आप कद्दूकस कर लें। और अब हम आटे के अंदर आलू को डाल देंगे, सारे आलू आटे में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। आप इसमें थोड़ी सी बारीक काट कर अदरक भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच काला नमक डालेंगे, आधा चम्मच काली मिर्ची पाउडर। आप इसमें दरदरी कूट कर काली मिर्ची डाल सकते हैं। मेरे पास काली मिर्ची का पाउडर था तो मैंने पाउडर डाल दिया है। अब हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स करके देखेंगे। आटा नहीं लगेगा तो हम इसमें पानी भी डालेंगे। और यहाँ पर देखिए, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगा लेना है। इसका आटा थोड़ा सा हार्ड लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है ये आटा लगाने में। तो इस तरह से देखिए, मैंने आटा लगा लिया है और ये आटा लगाने में मुझे पूरा आधा कप पानी लगा है। ये देखिए, इस तरह का आटा लगा लिया है। अभी भी ये थोड़े से साबूदाने जो हैं वो फूलेंगे, तो बाद में हमें फिर से इस आटे को सेट करना होगा। आटे को ढक कर के 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम हरे धनिए की चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा बारीक काट कर हरा धनिया, अच्छे से धोकर साफ़ करके लिया है। 1 हरी मिर्ची के 2 टुकड़े करके डाल देंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़े करके। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 नींबू का रस। नींबू के बीज गिर गए हैं तो हम बीज हटा देंगे। 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे काला नमक। 1 चम्मच इसमें डालेंगे हम जीरा, साबुत जीरा लिया है मैंने, आप जीरे का पाउडर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको पीस लेंगे। तो ये लीजिए, हमारी व्रत में खाई जाने वाली हरे धनिए की चटनी तैयार है। अब हम बना लेते हैं व्रत में खाई जाने वाली आलू की चटपटी सब्जी। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में ये बहुत ही टेस्टी बनती है। 1 चम्मच जीरा डाल दिया है मैंने। जीरे के चटकते ही हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू, जिनको मैंने इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो अब हम आलू डाल देंगे। आलू को भी हम लो फ्लेम पर 2 मिनट तक भून लेंगे। इस तरह से घी में आलू ये सब चीज़ें भूनने से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इस तरह से आप ज़रूर भूनें। और यहाँ पर देखिए, 2 मिनट हो गए हैं मुझे आलू को भूनते हुए। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे काला नमक। आप जो जो मसाले व्रत में खाते हैं आप इसमें डाल सकते हैं। मैं बस एकदम कम मसालों में सब्जी बना रही हूँ। आप व्रत में टमाटर खाते हैं तो इस सब्जी में आप टमाटर भी डाल सकते हैं। अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसको 2 मिनट तक और इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे।
धनिए को भी इसके साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारी व्रत में खाई जाने वाली आलू की चटपटी सी सब्जी बनकर तैयार है। हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो आप भी इन नवरात्रों में ये सब्जी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। अब हमने जो आटा लगा के रखा था उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आटा अच्छे से फूल गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ा सा नरम बना लेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको इस तरह से अच्छे से मसल मसल कर लगाएंगे तो ये नरम सा आटा बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से नरम सा आटा लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके लोई तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी मोटी सी ही लोई तोड़ेंगे हम इस तरह से, और इसको इस तरह से गोल लोई बना लेंगे। ये जो आटा है लगाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और पानी भी इसमें ज़्यादा ही लगता है, तो आप घबराएं नहीं, इसमें धीरे धीरे पानी डालकर लगाते जाएं आटे को। अब यहाँ पर देखिए मैंने लोई बना ली है। तो अब हम लेंगे एक चकला, उसके ऊपर लोई रख देंगे। थोड़ा सा हम घी लगा देंगे जिससे ये चिपकेगी नहीं चकले के ऊपर। और अब हम इसको धीरे धीरे हाथों से बेल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे मैं बेल रही हूँ इसके किनारे फट रहे हैं, तो ये तो फटेंगे, थोड़ा सा मोटा आटा है इसलिए फट रहे हैं। तो इसके इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है, फटने दीजिए इसको, आप धीरे धीरे करके बेलते जाइए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है, आप देख सकते हैं एकदम इसको पतला सा बेला है, ज़्यादा मोटा नहीं बेला है। अब आपके पास अगर इस तरह का कोई भी टिफिन हो, ढक्कन हो किनारे वाला, तो उससे इस तरह से इसको देखिए गोल काट लीजिए। तो ये लीजिए हमारा एकदम अच्छे से गोल पराठा बन गया है। बची हुई जो आटा है उसको हम दोबारा से यूज में ले लेंगे, दूसरा पराठा बना लेंगे। अब गैस के ऊपर एक तवा रख देंगे, इसको हल्का सा गर्म होने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे जिससे हम जब पराठा इसके ऊपर डालेंगे तो पराठा चिपकेगा नहीं। तवा अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसके ऊपर पराठा डाल देंगे। और परांठे को हम पहले एक साइड से थोड़ा सा सेक लेंगे, ऐसे जल्दी से नहीं पलटेंगे हम, अच्छे से इसको एक साइड से सेक लेंगे। दूसरी साइड पर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे जिससे हम पलटेंगे तो परांठा चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से परांठा थोड़ा सा सिक गया है तो हम पलट देंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हल्का सा इसका ब्राउन कलर आया है, तो हम दूसरी साइड से भी घी लगा देंगे थोड़ा सा। तो इस तरह से अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इस तरह से दबाकर परांठे को सेक लेंगे। तो यहाँ पर देखिए परांठे का जो कलर है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, परांठा हमारा सिक गया अच्छे से दोनों साइड से। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और सारे परांठे हम इसी तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसी डो से आप पूरी भी बना सकते हैं, ऑयल में फ्राई कर लेंगे तो इनकी पूरी बन जाएंगी। तो लीजिए हमारे साबूदाने के परांठे बनके तैयार हैं, और आप देख सकते हैं इतने डो में हमारे 7 परांठे बनकर तैयार हुए हैं। अब हम व्रत के लिए थाली लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने परांठे तो पहले ही रख दिए थे, अब हम रख देंगे हरे धनिए की चटनी, चटपटे आलू की सब्जी, और थोड़े से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बनाना चिप्स। ये मैं मार्केट से लाई थी, ये व्रत में खाने वाले बनाना चिप्स हैं। आप इनके साथ में दही या फिर खीरे का रायता सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए हमारी व्रत में खाए जाने वाली थाली बनकर तैयार है, झटपट से बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आप ये थाली बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, और आपके अपने चैनल दीक्षा की रसोई को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।